देखती आंखों और सुनते कानों को लिए असलान का अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग। एस यू नो के ब्यूटीफुल मैं लग रहा हूँ हमेशा की तरह माशाल्लाह। आज कुछ ज़्यादा ही थोड़ा क्यूट क्यूट लग रहा हूँ। आगे कज़न ने भी सुबह बोला है दूध लेने गया हूँ कि अली भाई आप थोड़े वाइट वाइट लग रहे हैं, फेयर एंड लवली तो नहीं लगाते। मैंने कहा नहीं बिल्कुल भी फेयर एंड लवली नहीं लगाते, अल्लाह ताला की देन है, उसने अल्हम्दुलिल्लाह कभी गुरूर नहीं किया। आज मैं आया हूँ इधर अपने मामू जान से मिलने के लिए, स्पेशल वाले मेरे मामू हैं आपको पता ही है, तो लाखों में एक जानी मानी शख्सियत जिनके तारुफ का मैं कहता हूँ मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे उनका तारुफ बयान करूँ। और अभी मेरे साथ हैं, बस अभी अभी मैं पहुँचा हूँ पार्किंग गाड़ी करवाने के लिए। मामू जी अस्सलाम वालेकुम बोलें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? बोले लाइक और सब्सक्राइब करो सबसे पहले। लाइक और सब्सक्राइब करें, बाकी बातें बाद में होंगी। बाकी बातें बाद में होंगी। रब दा वास्ता अंदर जाके हुण कोई हादसा ना कढ़ाई, बस ये सोच ला आपां इत्थे 5 मिनट बेइज्जती कराउणा है। बाकी जो जो मामू की फैंस हैं लड़कियां लेडीज आंटियां बुढ़िया मुझे कमेंट करें मैसेज करें, मामू को गुलबर्ग में बुलाएंगे, प्रॉपर पार्टी होगी जिसमें सिर्फ मामू होंगे और मामू की जो फैन हैं जितनी भी लेडीज वो होंगे। बाकी लेडीज एंड जेंटलमैन सीन को ये मौसम बड़ा चौकस है, व्यू चेक करें आप ज़रा। हाय 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 हाय, मामू और भांजे के साथ साथ आप बैकग्राउंड व्यू चेक करें। लड़कियों का प्रोग्राम होगा, मर्दों का नहीं होगा। मर्दों का नहीं होगा, मत खाली एक ही होंगे मामू बीच में। आप भी लड़कियां लड़की बन के जाएंगे या? मैं लड़का ही ठीक हूं। अच्छा अच्छा फिर ठीक है, ठीक हो गया। मामू जी आजकल क्या मसरूफियात हैं, सुना है आप कोई ड्राइविंग शाइविंग सीख रहे हैं? आज मैं ट्रैक्टर चला रहा हूं, बस ड्राइवरी सीख रहा हूं, ड्राइवरी कर रहा हूं। ये आपको जो पीछे बड़ी बड़ी गन्ने की फसलें अपना क्या कहते हैं उसे कॉटन की वो जो कपास कहते हैं, कपास की फसलें गन्ने ये सारे मामू ने ट्रैक्टर चला चला के ज़मीनें उगाई हैं, वो पीछे गंदम देखे अभी लोगों की निकल रही है लेकिन यहाँ पे गंदम तैयार है बिल्कुल। ये मामू की शब और रोज़ मेहनत के नतीजे हैं। मामू जी कौन सा ट्रैक्टर चला रहे हैं? बैसी। बैसी ठीक हो गया, बैसी ट्रैक्टर, बैसी ट्रैक्टर चला रहे हैं मामू। तो किस तरह घंटा लेते हैं ट्रैक्टर चलाने का, क्या कोई हिसाब किताब है किसी बंदे ने अगर मंगवाना हो ट्रैक्टर वगैरह? मामू गूंगे हो गए थोड़ी देर के लिए। अच्छा 5,000 लेते हैं घंटा, तो मतलब ट्रैक्टर भी आप दिखाएंगे ना अपना किधर है वो थोड़ी देर बाद देखते हैं। ये जी मामू से गपशप लगाने के बाद ज़रा पानी शानी पीने के बाद मामू कहते हैं आओ मैं तुम्हें अपने गार्डन का व्यू कराऊं। ये हमारे मामू इस टाइम सिर्फ ज़मींदारी नहीं कर रहे, ट्रैक्टर वगैरह एग्रीकल्चर में अगर किसी का नाम है इस टाइम बहुत बड़ा नाम है सैयद मुनव्वर हुसैन शाह, आप गूगल पर सर्च करेंगे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इनको इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले हुए हैं। अभी जो इन्होंने सब्जियां लगाई हैं ना वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, उनका ही शुमार कोई नहीं है मामू। वो आपको मिला हुआ है ना अवार्ड वगैरह, इनके इम्पोर्टेड बीज वगैरह आते हैं सीड्स वगैरह, अभी ये बताएंगे आपको कौन कौन सी सब्जियां लगी हैं। अभी मामू आगे आगे मेरे साथ चलेंगे और बताएंगे इन्होंने क्या क्या लगाया। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मामू हमारे मुनव्वर हुसैन शाह और भोला शाह जी का गार्डन है, ये तो मुझे नज़र आ रही है। ये पालक लगी हुई है, वो आगे सब्ज़ मिर्चें लगी हुई हैं, ये चेक करें सब्ज़ मिर्चें, और ये पालक है, और ये तकरीबन गांव जो है ये पंजाड़ के पास है इनका गांव। तो किसी ने मुलाकात करनी हो तो पंजाड़ में आके बल्कि कोटा से पूछते पूछते हैं भोला शाह जी के घर जाना है, पूरा कोटा हर बंदा इनका मरीज है, पुलिस वाले डॉक्टर इंजीनियर, अभी इनका एक नाम है ये देखिए ये टमाटर भी लगे हुए हैं। ओए होए 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 माशाल्लाह, ये देखिए ये चीज़ ये टमाटर लगे हुए हैं, उधर पालक लगी हुई है, ये क्या लगाया हुआ है मामू? टिंडे ठिपर लगे हैं। ये टिंडे ठिपर बकौल मामू के, ये वैसे टिंडे ठिपर नहीं ये मटर लग रहे हैं मामू जी। मटर उर्दू में बात करें ना मामू, ऐसे ना करें टिंडे टिंडे, ये टिंडे लगे हैं। ये जो ये क्या लगा हुआ है ये इसकी छोर है। नहीं नहीं अच्छा इसको कौन सी है, पांग है? नहीं नहीं और अच्छा मैं कहूँ चरस शरस अगर बनती है ऐसे तो नहीं 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 बनती वो, वैसे वो आप बना लेते हैं वो जो पीते हैं वो क्या कहते हैं पांग, अगर किसी ने वो भी बनवानी हो मामू बना लेते हैं, खुद नहीं पीते लेकिन बना के दे देते हैं। इधर इधर बताएं, ये टमाटर हो गए पालक होगी हमने देख लिया, मटर ये क्या है? अच्छा ये लहसुन लगा हुआ है, लहसुन कौन सा वाला लगा हुआ है? कोचना वाला मोटा। अच्छा मोटे वाला। अच्छा जो के कम से कम 40-50 लाख ना बिका। अच्छा ये वो लगाया हुआ है मतलब ये इतने एरिया में
अब ये देखें, ये कोई बंदा इनसे सीखे कि इतने एरिया में सिर्फ ये कोई, मैं कहता हूँ थोड़ी सी जगह है ये, और इतने एरिया में उन्होंने 50 लाख रुपया इन्वेस्ट, मतलब आएगा इनके अभी इनकमिंग आएगी, मतलब मामू ये जो सारा लहसुन लगा हुआ है मोटे वाला, ये 50 लाख का बिक जाएगा? ठीक हो गया। और क्या लगाया हुआ है आपने? ओ, ये सुरख सुरख जो फूल नजर आ रहे हैं आगे, ये हमें लगे। अच्छा, ये वैसे ही लगे हुए हैं? ये वो दरख्त लगे हुए हैं, ये मतलब ये किस चीज़ के हैं? वो सामने जो फलियां वगैरह नजर आ रही हैं। अच्छा, जोंतरी ये दरख्त पे लगी हुई है? वाह जी वाह, लोग खेतों में लगाते हैं, इन्होंने जोंतरी के और सरसों का दरख्त लगाया हुआ है। मामू ये जंगली तूत था। अच्छा, ये जोंतरी वैसे खेतों में लगाते होते थे लोग, आप जिनको पता है जमींदार हैं? अच्छा, ये जोंतरी हो रही। अच्छा, ये और जोंतरी है, वो आगे जंगली तूत है, और ये हमारे खूबसूरत मामू हैं। आए हाय हाय आए, ये वीटो का निशान बनाया हुआ है। सब्जी के हवाले से, किसी हवाले से मामू बताएं ना, कि अगर किसी ने मशवरा लेना हो तो मामू का नंबर मैं लगा दूंगा नीचे, आप इनको कॉल कर सकती हैं। होम गार्डन, घर के काम काज, तो मामू को थोड़ी फुर्की भी है वैसे, खारिश खुरिश करती हैं। मामू मिलता नहीं है इधर। किधर? अच्छा, इधर नहीं मिलते, किधर मिलते हैं? मामू डोगे हैं। डोगों में मतलब खेतों में? ठीक हो गया, मामू खेतों में मुलाकात करेंगे आपसे। क्योंकि ट्रैक्टर में चलाना है। ट्रैक्टर चलाते हैं, ट्रैक्टर। तो अगर किसी को ट्रैक्टर चाहिए हो तो मैं नंबर लगा दूंगा मामू का। तो मामू किस टाइम ट्रैक्टर चलाते हैं तकरीबन? मैं दिहाड़ रात चला रहा हूँ। ट्रैक्टर अगली सीट पे बैठ के चलाते हैं या पीछे ट्राली पे बैठ के? ट्राली वाला सिस्टम साढ़े को कोई नहीं। अच्छा, साढ़े को सिर्फ लाई है। मतलब दो किस्म के ड्राइवर होते हैं ना, एक जो वो स्टेयरिंग पे बैठ के ड्राइव करते हैं, दूसरे ड्राइवर वो होते हैं जो पीछे बैठ के ड्राइव करते हैं। पीछे बैठा होना उन्होंने नायक गाड़ी। अच्छा, मतलब आप वो वाले ड्राइवर हैं जो स्टेयरिंग पे बैठ के ड्राइव करते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? लेडीज एंड जेंटलमैन, जरा मामू के साथ गपशप लगा रहे थे, वैसे व्यू चेक करें आप, कसम से बड़ा सुकून और हर चीज़ नीट एंड क्लियर नज़र आ रही है। अभी काफ़ी टाइम से बारिशें भी नहीं हुई, तो बड़े मज़े की सीनरी है। बाकी आपको मैंने विजुअल्स दिखाए हुए हैं, मेरा एक और व्लॉग है जिसमें आपको मैंने ना वो पहाड़ों से भी इस जगह के विजुअल्स दिखाए हुए हैं। पंजाड़ का बड़ा प्यारा गाँव है ये, और पहाड़ी इलाका है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं और मामू, अभी ये पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारे मामू का घर है। तो मामू ने कहा कि अगर तुमने कामयाब होना है तो मेरे हाथ का ये सिगरेट पियो। हम मामू से इतनी मोहब्बत करते हैं, मैं स्मोकर नहीं हूँ। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। बच्चे जो हैं वो सिगरेट और दवाई के पोंछ से दूर हैं। अभी ये मामू ने स्पेशल मुझे एक सिगरेट दिया है कामयाबी के लिए। लोगों को न्याज मिलती है और कुछ इस तरह का चढ़ावा इन्होंने मुझे ये दिया है। चढ़ावा ये खुद कर देते हैं। मामू जी के नाम ये कश शदीद। मामू दिल बहुत जख्मी है आजकल। दिल जख्मी, ब्याह करना ख्याल है। अगर इसके साथ कोई ब्याह कर ले तो मैं शाबाश पाऊंगा। इसके साथ कोई शादी कर ले, अच्छी सी लड़की, अच्छे घराने की शहजादी वह, तो बता दें हमको, हम इसकी शादी करेंगे। इसलिए मेरा दिल दुखा हुआ है इतना, इसका दिल दुखा हुआ है। नहीं, इनकी बातें सुन के दिल दुखा हुआ है मेरा। दिल इनका दुखा हुआ है, कोई अगर मिल जाए तो फिर बता देना हमें। नहीं, वो जो छोड़ के गई है वो क्यों ना आ जाए? छोड़ के जड़े चले गए ने, वो चले गए ने, पीछा मोए इन्हें की दफन कर सुन। मामू उसकी बुलाओ आखो, कोई अच्छी जी कुड़ी है, अच्छा है, जड़े बोले माड़े पने नहीं खिदमत करा है, घरानी खिदमत करा है, इसके अम्मी अब्बू की खिदमत करा है। सुभान अल्लाह, आजकल के दौर में खिदमतें करती नहीं है, खिदमतें करवाती हैं। नहीं, खिदमत करने वाली वह है, कराने वाली ऐसा ही नहीं चाहिए। तीन चार नौकर हों घर में, पांच छह लैंड क्रूजरें खड़ी हों। ना जी, लैंड क्रूजर वाली ऐसा नहीं चाहिए। नहीं, आगे नौकर हमारे ऐसा नौकर वाली नहीं चाहिए। तो बाकी ऐसा की चाहिए नहीं है, शादी तो मोदी, मतलब उसकी कोई जलेबी ना हो, ना जलेबी ने छले यार वह है, ऐसा भी कछ है। तो उसमें भी पूछा है, आए ओ मामू जी बेहो, रोटी पकाई दै, चाह बनाई दै, सारा की करी दै। खाली मामू रंग की पूछी सटा माड़ी खाया रही, तू लंग जा साड़ी खाया रही। मामू रंग की रोटी शोटी पकाई दै, बस यही ठीक है। हाँ, तो जे तो एक और काम करें, अगर आप तो आपकी शादी करवा दी। नहीं नहीं, मैं करना ही ना जी। क्यों? मैं करना ही ना। नहीं नहीं मामू जी, ना 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 ना, नहीं नहीं सरकार, मैं ना करना। नहीं नहीं नहीं, इन वास्ता कोई खूबसूरत जी लड़की लोड़ो। अगर कोई घर बेली वे,
अगर कोई और एक और वेली हो जो मतलब मच्छंदर किस्म की वेली हो, मच्छंदर तरीके की जो है ना, वो मामू के लिए, मतलब कोई अगर देख रही है कोई सही इस तरह की अच्छे जो, वाली जो है वो इनके लिए लोड़ो। ये ट्रैक्टर चलाते हैं, कोई ट्राली की ड्राइवर हो मामू के लिए, पीछे ट्राली बैठी रहे, हाँ बैठी जे, कोई पाली शाली हो, कोई पाली असंगी नहीं चाहिए, कोई बठानी ही है। अभी मामू और मैं जरा इधर, मामू ने जो इधर ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, गंदम ही गंदम, कपास ही कपास, मतलब कोई फसल ऐसी नहीं है जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी बैकग्राउंड में। ये देखिए ये ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर चला चला के ना ज़बरदस्त काम किया हुआ है। तो मामू जी कट्टे की तरह क्यों कर रहे हैं ऐसे यार? मुँह पे चूल्हा, वैसे ना वो कट्टा भी इस तरह करता है वो मामू रानी कोठी उधर चढ़ने में। अच्छा मिस्त्री लगे। वैसे ये बताएं कि आप सारी बातें बता रहे हैं कि जिनको जिन मर्दों को जनानियां उनकी मारती हैं, तंग करती हैं, मतलब कान छन पकड़ा के सुने सुने मारती हैं, उनके लिए क्या किस तरह, ओहो किस तरह वो आ, इसकी भी चंगे लोड़ी दो सट्टा गम में। लेडीज एंड जेंटलमैन, वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं स्मोकिंग नहीं करता, मामू ने आशीर्वाद दिया था तो मैंने कहा चलो पी लूँ, वो गप गप में मैं ना थोड़ा ज़्यादा ही कशे लगा गया, मामू की बहुत दुखी गप शप थी। बाकी कुछ सीन इस तरह का है कि अभी हम घूम फिर के आए हैं और ये मामू के हाथ में मोबाइल है। मामू मोबाइल ऊपर करें ज़रा, मामू नंबर बताएं अपना अगर किसी बंदे बंदी ने कॉल कर। 0312-91-4-50-55। समझ आई है? नहीं आई मैं दोबारा बता देता हूँ, मेरे ख्याल में नहीं आई। 0312-914-5055 ये मामू का नंबर है, इस पे आप रابطہ कर सकते हैं। ट्रैक्टर चाहिए हो, गार्डन के वाले से, बाग के वाले से, हैवी मशीनरी चाहिए हो, वो भी खल लगी है यहाँ, वो उधर जो आवाज़ आ रही है आपको शॉवल वगैरह लगी हुई है। तो बाकी यह है कि ट्रैक्टर शॉवल हर किस्म की मशीनरी, और मामू ने मुझे वीडियो भी दिखाई है, वो मैं अभी अटैच करता हूँ, आप देखना मामू वहाँ पर ट्रैक्टर चला रहे हैं, मैं मजाक समझ रहा था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं और मामू यहाँ पे दीवार पे खड़े होकर नज़ारे चेक कर रहे हैं। मामू ने, शाम हो चुकी है तकरीबन, मामू ने बड़ा ज़बरदस्त लंच करवाया है, उसके विजुअल्स मैंने आपको नहीं दिखाए, अब क्या बना दिखाए। उसके बाद मामू ने पकौड़े खिलाए हैं, उसके बाद कश्मीरी चाय बुलाई है, चस आ गई है, बस शाम होने को है और अभी मैं घर की तरफ निकलूँगा। बहुत मज़ा आया मामू के साथ, थैंक यू वेरी मच मामू, आपने जो मेरी खिदमत की है। बाकी नंबर आपको मामू का दे दिया है, शादीशुदा बंदे ने मार से, बेगम की मार से बचना हो तो मामू से मशवरे ले सकता है, मामू बताएंगे कि बेगम की मार से वैसे बच सकता है बंदा, मुश्किल है, बची गई है, मतलब दम तवीज़ तवीज़ देते हैं, सब पैसे दोगे मामू को, तवीज़ वगैरह देंगे, दम शम डालेंगे, बेगम आपकी बंदा बन जाएगी। ये ना बना फिर मामू, फिर डंडा मारो सर, बस ठीक है फिर सर में डंडा मारे मामू कह रहे हैं। और बाकी मामू बहुत मज़ा आया, तो देखिए आपने मुझे बुलाया और मैं आ गया हूँ, अब आपने स्पेशल दुआ करनी है देखने वालों के लिए भी और मेरे लिए भी। अब पता नहीं, मैं मामू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, देखिए हमने कपड़े भी आज मैचिंग मैचिंग पहने हैं, मुझे नहीं पता था ये वाला कलर होगा, इनको भी नहीं पता था, हमारे दिल मिले हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कि मतलब ये कह रहे थे शादी के बारे में, यकीन जाने मुझे तो खैर वो उस तरह कोई क्रेज़ नहीं है ऑनेस्टली आपको बताऊँ, लेकिन बात यह कि अब पता नहीं इनके साथ रह रहे कि इनका साया मुझ पर, मतलब इन्होंने भी शादी नहीं की, मुझे लगता है कोई कह रहा हूँ मैं इनको कर लो जल्द से जल्द, तो बस इनके साथ रह के ना जैसे बदरुओं का और चुड़ैलों जिनों पूतों का साया होता है, लगता है मुझे अपने मामू जान का साया हो गया है। साया नहीं होया है, ये बात तो मार रहा है, ये बात होता है ना मामू के, जिस दिन शादी होगी उस दिन आपकी छुट्टी, आना जाना मुलाकातें बंद, वो फिर नहीं बोलेगी मैं उनसे मुलाकात होगी, जिसे डरते थे वही बात होगी। ला 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 ला, मतलब मामू थोड़ा मरासियों वाला शौक भी रखते हैं, तो हमारे से सड़ते हैं जावे के लोग बहुत सड़ते हैं, छोड़ो यार अपनी बात, ए जिला सा मूवी बनाई भेजने होना आने असा का तुसा बनाई भेजा मैं ए तुसा की नहीं पता मामू, और जो बोले आपने जिन जिन को बुरा भला कहा है वो अपनी मर्जी से कहा, मैंने कुछ भी नहीं बोला। थैंक यू, वेलकम, और अब अल्लाह हाफिज़ करे, आज का व्लॉग मामू एंड करेंगे, आज का व्लॉग एंड करते हैं और शादी पर हम जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज़। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, व्लॉग मामू ने आज एंड किया था, लेकिन वो बता रहे थे उनके कहीं इधर पड़ोस में शादी है, तो मैं अब घर जा रहा हूँ, आज उनके दिमाग में शादी घुसी हुई है, तो बहरहाल बड़ा मज़ा आया,
मैंने सोचा जरा अकेले में थोड़ी गुफ्तगू कर लें आपसे। कहने को तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ मैं आपसे, लेकिन वही बात है कि मैं कहता नहीं हूँ। बाकी बैकग्राउंड आप व्यू चेक करें, बहुत मज़े का व्यू है, बड़ा मज़ा आता है। ये कोटा से आगे आगे भी मैंने आपको बताया था, अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं, मरी कई दफ़ा बड़ी रश होती है तो थोड़ा सा आगे आएँ तो आपको बहुत सी चरागाहें और बहुत सी जगह बैठने को मिलेंगी। आप अपना लंच वगैरह साथ ला सकते हैं और बैठ के यहाँ पे लंच वगैरह भी कर सकते हैं। गाइस ये है हमारी मेरी यानी कि मेरी वाहिद और इकलौती डार्लिंग, और इसको माशाल्लाह फुल सेट करवा ली है। तो रात को इसकी टेस्ट ड्राइव भी की थी माशाल्लाह फुल सेटिंग में, जो काम थे छोटे मोटे वो भी करवा लिए हैं। तो ये माय इकलौता लव, आई एम गोइंग एट होम। बस अब तकरीबन कुछ ही देर बाद शाम हो जाएगी, आपको पता है दिन छोटा सा होता है। और मेरी और निमो की तरफ से भी, पोला मामू की तरफ से भी व्लॉग मैं ऑफिशियली एंड करने वाला हूँ। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, लाइक और सब्सक्राइब आप लाजमी कीजिएगा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, जहाँ रहिए खुश रहिए। अली असलानी ऑफिशियली साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज़।